हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा गाइस कि रियलमी C55 अगर आपके पास फ़ोन है और वो फ़ोन जो है बहुत स्लो हो गया है, तो आप लोग स्लो फ़ोन को कैसे फास्ट कर सकते हो। अगर आपके पास एक रियलमी C55 फ़ोन है, उसमें जो है आप लोग चला रहे हो फ़ोन को, लेकिन यहाँ पर बहुत ही स्लो हो गया है, पहले से फ़ोन बहुत स्लो हो गया है, तो इस स्लो फ़ोन को आप लोग कैसे फास्ट करोगे, तो आज के वीडियो में मैं यही बताऊंगा आप लोगों को। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए गाइस, क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही मैं अच्छा सेटिंग्स बताने वाला हूँ। इसको करने से जो है आपका फ़ोन एकदम अभी के अभी फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को करके भी दिखाऊँगा कि वो ऑप्शन ऑन करने से आपका फ़ोन कितना फास्ट हो सकता है। तो इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप लोगों को बैकग्राउंड में से एप्लीकेशन को क्लोज कर देना है। अगर आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में बहुत सारे एप्लीकेशन रन हो रहे हैं, तब भी आप लोग अपने फ़ोन को ऐसे करके चला रहे हो, तो आपका फ़ोन जो है बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो बैकग्राउंड में से सभी एप्लीकेशन को आप लोग क्लोज ऑल पे क्लिक करके क्लोज कर दीजिए। उसके बाद अपने फ़ोन को चलाइए, आपका जो स्लो फ़ोन है वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर ऊपर से स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ, वाईफाई, मोबाइल डाटा, लोकेशन, पर्सनल हॉटस्पॉट, नियर बाय शेयर। अगर आपके फ़ोन में जो ये सभी ऑप्शन ऑन है, तब भी जो है आप लोगों का फ़ोन स्लो हो जाएगा, क्योंकि ये सब बैकग्राउंड में स्कैनिंग करते रहते हैं गाइस, और स्कैनिंग करते रहने से आपका फ़ोन स्लो हो जाता है। तो यहाँ पर से इन सभी को चेक कर लीजिए, अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है, अगर आप लोग ये सब यूज़ नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर से इन सभी को ऑफ़ करके रखिए। ऑफ़ कर देने से आपका जो स्लो फ़ोन है वो फास्ट हो जाता है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने फ़ोन को क्लीन करते रहिए। क्लीन करने से भी आपका फ़ोन फास्ट होता है। तो क्लीन करने के लिए रियलमी के फ़ोन में एक फ़ोन मैनेजर का ऑप्शन दिया जाता है, उसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद क्लीन अप स्टोरेज का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद स्कैनिंग होगा, और यहाँ पर नीचे क्लीन का ऑप्शन आएगा, तो क्लीन पे क्लिक कर दीजिए। क्लीन पे क्लिक करते ही यहाँ पर आप लोगों का जो कैची फाइल्स वगैरह है वो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर से अपना फ़ोन क्लीन भी होगा, ऑप्टिमाइज़ भी होगा, और आपका जो स्लो फ़ोन है वो थोड़ा फास्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को क्लीन करते रहना है। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद यहाँ पर से आप लोगों को प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ देख सकते हैं एक जीमेल का प्रोफाइल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक सेटिंग्स का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर सेकेंड वाला ऑप्शन देख सकते हैं नेटवर्क प्रेफरेंसेस लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर तीन ऑप्शन होंगे, और यहाँ पर से बीच वाला ऑप्शन देख सकते हैं गाइस ऑटो अपडेट ऐप्स लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं फिर से तीन ऑप्शन हैं। अगर आपके फ़ोन में जो है ऊपर के इन दो ऑप्शन पे सेट है, जैसे कि ओवर एनी नेटवर्क और ओवर वाईफाई ओनली, तो क्या होगा, जब भी आपका फ़ोन का डाटा ऑन होगा या वाईफाई के कनेक्ट होगा आपका फ़ोन, तो ऑटोमेटिकली जो है बैकग्राउंड में एप्लीकेशन अपडेट होता रहेगा, तब भी जो है आप लोगों का फ़ोन बहुत स्लो हो जाएगा। तो इसको ऑफ़ करना है। ऑफ़ करने के लिए एकदम लास्ट वाला ऑप्शन देख सकते हैं, डोंट ऑटो अपडेट ऐप्स, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद डन पे क्लिक कर दीजिए। ऐसा करने से गाइस आपका बैकग्राउंड में जो है एप्लीकेशन अपडेट नहीं होगा ऑटोमेटिकली, और आपका जो स्लो फ़ोन है वो भी फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, उसके बाद अपने स्टोरेज को खाली करके रखिए। स्टोरेज फुल होने से भी आप लोगों का फ़ोन स्लो हो जाता है, तो स्टोरेज को खाली करके रखिए, आपका जो स्लो फ़ोन है वो फास्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हो गाइस, रैम को इनक्रीज़ कर सकते हो। रैम इनक्रीज़ करने से भी आपका स्लो फ़ोन फास्ट हो जाता है। तो रैम को इनक्रीज़ करने के लिए सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर से एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अबाउट डिवाइस का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद रैम का ऑप्शन होगा, रैम पे क्लिक कर दीजिए, और ये ऑप्शन आपके फ़ोन में ऑफ होगा। मेरे फ़ोन में ऑन है क्योंकि मैंने ऑन किया था इसको, तो ऑफ होगा, तो इसको यहाँ पर से ऑन कर लीजिए। ऑन करने के बाद आप लोगों को कितना GB रैम इंक्रीज़ करना है आप लोगों को यहाँ पर से सेट कर लेना है, 2 GB, 4 GB, 6 GB, जो भी चाहिए सेट कर लीजिए। सेट करने के बाद आप लोग बैक बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ पर रिस्टार्ट नाउ का ऑप्शन आएगा, तो रिस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर दीजिए। आपका फ़ोन जो है स्विच ऑफ होकर ऑन हो जाएगा, और आपका रैम इंक्रीज हो जाएगा। रैम इंक्रीज हो जाने के बाद आपका जो फ़ोन स्लो था वो स्लो फ़ोन फास्ट हो जाएगा। उसके बाद अभी मैं लास्ट वाला सेटिंग्स बताने वाला हूँ गाइस, जिससे आप लोग अपने फ़ोन को अभी फास्ट कर सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होगा एक्सेसिबिलिटी का, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर ऊपर की तरफ देख सकते हैं विजन का ऑप्शन है, तो इस विजन पर हम क्लिक करेंगे।
क्लिक करते ही विजन का सेटिंग्स आ जाएगा और यहाँ पर से आप लोगों को नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। एकदम नीचे देख सकते हैं रिमूव एनिमेशन का ऑप्शन है, तो इसको पहले ऑन कर लीजिए। ऑन करते ही आपका जो फ़ोन है वो बहुत फास्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ये मेरा जो फ़ोन है वो बहुत फास्ट हो गया। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो फिर से जो है मेरा फ़ोन स्लो हो गया है, आप लोग देख सकते हो काम ही नहीं कर रहा है ठीक से। ठीक है, तो इसको आप लोग ऑन करके अपने फ़ोन को जो है बहुत ही फास्ट बना सकते हैं, देख सकते कितना फास्ट है, आप लोगों को उंगली ही नहीं चलेगा इतना फास्ट। ठीक है गाइस, तो इसको ऑन कर लीजिए, आपका फ़ोन अभी के अभी फास्ट हो जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप लोग अपने रियलमी C55 फ़ोन को स्लो है अगर है हो गया है तो इस स्लो फ़ोन को फास्ट कर सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।